तब ये पार्ट और ये पार्ट वो ज्यादा डैमेज होता है। तो ये है स्काला का जैकेट, जो बैक साइड ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों एल्बो दो शोल्डर, इसका साइज सिलेक्शन कैसे करते हैं? ये है बजट फ्रेंडली हेलमेट जिसमें मैंने लगाया है नॉर्मल ब्लूटूथ हेडसेट जिसके अंदर और वॉइस क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया है। सबसे अहम मुद्दे की तरफ हम जाते हैं, तो इसका लास्ट में हम टोटल करेंगे बजटेबल में अप्रॉक्सीमेट और टेंटेटिव अमाउंट क्या होता है। फैंसी सेगमेंट में जाते हो तो क्या होता है? तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन बजट फ्रेंडली मोटो गियर्स और राइडिंग गियर्स के बारे में जो बाइक राइडिंग के दौरान यूज होता है, जैसे कि हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट हो गया, शूज हो गया। तो उसमें मैं दो सेगमेंट में बताऊंगा, एक आ गया कि बजट फ्रेंडली सेगमेंट और एक आ गया थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मतलब आप परचेस कर सकते हो बिना अपने जेब पे ज्यादा भार डाले। तो मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकूं ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपको अपने लिए राइडिंग गियर्स और बाकी सारी एसेसरीज चूज करने के लिए आपको एक सही वे मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीछे, तो मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो में एक एक चीज का पता चले। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए राइडिंग गियर्स चूज कर पाएंगे और हर एक छोटी छोटी चीज जो मोटो व्लॉगिंग और बाइक राइडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं हेलमेट से। तो हेलमेट में मैं पहले बजट फ्रेंडली हेलमेट आपको दिखा देता हूँ। ये है बजट फ्रेंडली हेलमेट, ये है स्ट्रडस का थंडर D4 हेलमेट जिसमें मैंने लगाया है नॉर्मल एक ब्लूटूथ हेडसेट जिसके अंदर स्पीकर्स और माइक ऑलरेडी है और वॉइस क्लियरिटी उसकी इसकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट है। पर ये इंटरकॉम नहीं है, एक नॉर्मल ब्लूटूथ हेडसेट है, राइट। और यहाँ पे मैंने लगाया है चीन माउंट जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है और इसका प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमें जे हुक मिल जाता है जिसके अंदर कैमरा माउंट कर सकते हैं। ये थोड़ा हैवी और बल्कि है। तो ये हो गया एक बजटेबल हेलमेट, इसका प्राइस है 1800। और ये जो मैं अब हेलमेट दिखाने जा रहा हूँ तो ये है एमटी का हेलमेट। तो यहाँ पे इंटरकॉम लगा है परानिका M10, जैसे कि आप देख रहे हो बॉक्स, तो परानिका M10 ये इंटरकॉम है। इसका भी वॉइस क्लियरिटी बहुत ही अच्छा है। और दोनों हेलमेट में हालांकि मैंने एक्शन कैमरा जो यूज करता हूं मैं DJI एक्शन 2, तो उसके लिए माइक ऑलरेडी दोनों में माउंट है। तो एक में है बोया का BY M1 Pro और दूसरे में है एक्सट्रीम एकोस्टिक। ये दोनों का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब में, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए उसकी क्लियरिटी कैसी है ताकि आपको चूज करने में ज्यादा इजी रहे। और इसमें जो लगा है ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट है, तो यहाँ पे आपको जे टाइप हुक लगाना रहेगा। तो जे टाइप हुक लगा के आप उस पर कैमरा माउंट कर सकते हो और ये बल्कि नहीं है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। तो मैं आपको जे टाइप हुक भी बता देता हूँ। इसमें यूज होने वाली छोटी छोटी चीजें जो आपको अपने पास रखनी है वो मैं एक बक्से में रखता हूँ, आई विल शो यू क्या है इसके अंदर। देखिए इसमें बहुत सारे जे टाइप हुक है क्योंकि राइडिंग के दौरान एक भी टूट गया तो दूसरा बैकअप में होना चाहिए। सो आई हैव 2 जे टाइप हुक और थ्रेड वाला भी है, मतलब आप कैमरे को किसी भी एंगल में कैसे भी कनेक्ट करना है तो वो कर सकते हो, राइट। तो इसको सिंपली यहाँ कनेक्ट ही कर देना है, ये हो गया। और यहाँ पे आप कैमरा लगा सकते हो और इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा माउंटिंग पोजीशन और हेलमेट का डिस्क्रिप्शन। ये हेलमेट है 5500 के ऊपर का और ये जो परानी का इंटरकॉम है ये 7500 के आसपास का है। तो ये पूरा जो सेटअप है ये एक्सपेंसिव है, मतलब ये हेलमेट और इंटरकॉम को मिला के आपको 12-13 हजार के अंदर पड़ जाएगा। तो हमने माउंटिंग की बात की है तो हम माउंटिंग के जितने भी टॉपिक है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैमरे को हम माउंट करना चाहते हैं, जैसे कि ये DJI एक्शन 2 हो गया, तो मैंने इसमें एक ट्रायल भी लिया है, लास्ट वीडियो आप देख लो। तो वो वीडियो में मैंने बताया है कि जो लगेज कैरियर होता है जहां पे हम लगेज बांधते हैं, तो वहां पे कैमरे को रख के मैंने जैसे 360 कैमरे का शूट होता है ना वैसे ही मैंने इसमें किया है। तो ऐसा होल्डर भी है जो आपको मिल जाएगा। तो DJI एक्शन 2 को मैंने उसमें माउंट करके उसका शूट किया है। अलग अलग तरीके से आप शूट कर सकते हो, हालांकि ये माउंटिंग का टॉपिक था तो मैंने कवर कर लिया। तो अब हम जाते हैं लगेज के अरेंजमेंट की तरफ। लगेज के अरेंजमेंट में भी आपका दो बजट डिफरेंशिएट होता है। अगर आपको बजट फ्रेंडली में जाना है तो आप ट्रैवलिंग बैग, जो ट्रैकिंग बैग आता है, रक्षक बैग, तो वो आप यूज कर सकते हो सिंपली। आई विल शो यू, ये 15-16 लीटर का शायद बैग है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। इसको मैं लगेज कैरियर के पीछे बांध देता हूँ, इसको मैं हॉरिजॉन्टल माउंट करके इसके ऊपर बंजी रोप में लगा देता हूँ, राइट। ये जो बंजी रोप है ऐसी एक स्ट्रिप वाली भी आती है, वो ज्यादा
ज्यादा प्रीफरेबल रहेगी, हालांकि मैं नेक्स्ट राइड में वही यूज करने वाला हूँ। तो ये बंजीरो दोनों साइड क्रॉस में हम टाइट करके बैग को बांध सकते हैं। तो ये बैग का प्राइस होगा 1500-1600 के आसपास। तो 1500-1600 में आपका लगेज का जुगाड़ हो जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा आराम से, और ऊपर से छोटे पॉकेट्स भी हैं वहां पे, आप कुछ भी इंस्टेंट चाहिए जो चीज वो आप रख सकते हो। तो आपको पूरा बैग खोलना ना पड़े, जैसे कि पावर बैंक हो गया, वो सब हो गया, तो आप इसका अरेंजमेंट इजीली इसमें कर सकते हो। तो इट्स गुड बैग। अगर इससे ऊपर के बजट में जाना है तो आप सैडल बैग भी यूज कर सकते हो, पर उसका प्राइस जाता है 5500। मतलब वो एक सेगमेंट आ गया थोड़ा कॉस्टली और एक्सपेंसिव सेगमेंट। तो लगेज को बांधने की बात हुई तो लगेज कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे एक्सटर्नल बैग, रक्षक बैग या ट्रैकिंग बैग लगा रहे हो, तो आपको एक माउंटिंग पोजीशन सही चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो आपके पीछे की सीट पे अगर माउंट करोगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, जो रेस्ट आपको लेना है आगे पीछे होना है, तो वो आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लगेज कैरियर। उसका भी वीडियो और इंस्टॉलेशन गाइड पूरा मैंने डाला है, पर ये जो है स्पेशली हंटर और रॉयल एनफील्ड के कुछ गिने चुने सेगमेंट्स के लिए है। तो कुछ एसेंशियल चीजें रखने के लिए हमने बात कर ली है, तो इसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ ये क्या है। तो इसको मैं सिंपली राइडिंग जैकेट्स और वो सब पहने के बाद इसको कमर पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसमें मेरा क्या रहेगा, जैसे कि कैमरे का वाटरप्रूफ केस हो गया, पावर बैंक हो गया, बहुत ही एसेंशियल चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और फर्स्ट एड किट की कुछ चीजें हो गई, बैंडेज वगैरह, तो वो सब इसमें, केबल्स वगैरह सब इसमें रहता है। मतलब मेरे को अलग से बैग खोलने का जरूरत नहीं है, ना तो वहां से कुछ निकालने का जरूरत है, वो एज इट इज रहेगा। और कुछ चॉकलेट्स भी रख लेता हूँ। तो ये सब मैं मेरे साइड से यूज करता हूँ, ये सब इंडिविजुअल चॉइस है आपको क्या यूज करना है, पर ये सिंपली मैं यूज करता हूँ। ये डीकैथलॉन का है, हालांकि आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन में बहुत ही अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। अब बजेटेबल सेगमेंट में जा रहे हो तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका लास्ट में हम टोटल करेंगे, बजेटेबल में अप्रोक्सीमेट और टेंटेटिव अमाउंट क्या होता है, और एक्सपेंसिव सेगमेंट में जाते हो तो क्या होता है। तो अब हम आ जाते हैं कॉन्सोल की तरफ, जो मैप का कॉन्सोल होता है, तो एक्सपेंसिव बाइक पे होता है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अलग से भी लेने जाओगे ना तो 20,000-25,000 का आता है। अगर आप जुगाड़ करके कार वाला 7 इंच या 4.3 इंच का ज्यादातर मिलता है वो आप लगाने जाओगे तो भी आपको 6,000-7,000 में पड़ जाएगा। पर मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने स्पेशली मैप देखने के लिए एक एंड्रॉइड फोन OLX से परचेस किया है, ये रियलमी का फोन है, तो आपको एज ए मैप कंसोल यूज कर सकते हो, बिकॉज आपका जो मेन फोन है वो ही आप लगा के यूज करोगे तो उसका बैटरी ज्यादा यूज होगा, आपको पावर बैंक भी मैनेज करके चलना है। तो इसमें आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो अच्छा है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वो सब बंद रखो, बैटरी सेविंग में रहेगा, और आप 600-700 किलोमीटर आराम से 100% बैटरी को लेके चलोगे तो आराम से आप उसको चला सकते हो। और बीच में स्टॉप मिला और आप उसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके बाइक के अंदर चार्जिंग फैसिलिटी है तो भी ठीक है, आप वो कर सकते हो। तो आपको अलग से कॉन्सोल परचेस करने की जरूरत नहीं है, 2,000-2,500 या 3,000-4,000 में भी आप ले लोगे ना फोन, तो आपको स्पेशली मैप के लिए बहुत ही बेस्ट है। हालांकि मैंने 2,500 रुपए में लिया था, तो ये बहुत ही अच्छा है। 4GB रैम है, 64GB इंटरनल है, इट्स क्वाइट इनफ फॉर मैप्स। तो मैं कहीं भी जाता हूँ ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हम सेफ्टी की तरफ थोड़ा मूव होते हैं, तो सेफ्टी में जो कवर होता है उसमें से एक पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो है हेलमेट। तो हेलमेट के बाद जो आता है वो है राइडिंग जैकेट, हैंड ग्लव्स, राइडिंग पैंट आता है वो, हालांकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो मेरे पास दो जैकेट है, एक है स्काला का और एक है रॉयल एनफील्ड का। रॉयल एनफील्ड का जैकेट है वो आप देख सकते हो ऊपर, मेरे एग्जैक्ट ऊपर ग्रे एंड व्हाइट, ऑफ व्हाइट में, और ये है ब्लैक कलर का, वो है स्काला का, वो मैं पहन के आपको दिखाऊंगा। हालांकि दोनों प्राइस सेगमेंट में क्या है वो मैं आपको ये पहनने के बाद बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है रॉयल एनफील्ड का जैकेट। इसका जो प्राइस सेगमेंट है ये 3,500-4,500 के बीच में आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसको ये लेवल 1 प्रोटेक्शन का है, और जो स्काला का मैं ट्राई करूंगा वो लेवल 3 प्रोटेक्शन का है। तो इसमें ऐसे कहाँ कहाँ आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया इधर एल्बो का, शोल्डर्स आ गए, यहाँ पे भी सेफ्टी पेड लगे हैं, इसको निकाल के आप सिंपली जैकेट को वॉश कर सकते हो। और मेरे सीधा बैक साइड पे एक है पेड, राइट, ऐसा पेड है, पर ये लेवल 3 का है और वो है लेवल 1 का, तो वो लेवल 1 के हिसाब से ही उसका मजबूती है। तो ये हो गया मेरा जैकेट, यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि
अगर आपको इसको टाइट करते हो ना, तो आपके ये जो सेफ्टी पेड्स है ना, वो स्लिप होके खिसक ना जाए, क्योंकि जब भी आपका एक्सीडेंट हो, आप गिर जाओ, तो ये स्लिप नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन पे रहना चाहिए, तभी ये जॉइंट्स को और अपने बाकी सब पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, राइट। तो रॉयल एनफील्ड के भी जैकेट के अंदर बहुत ही कंफर्टेबिलिटी है। ये जो मैश है वो ये पूरा वेंटिलेशन वाला, ऐसा नहीं है कि आपको सफोकेशन फील होगा, और बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, पर ये लेवल वन का है, बस फर्क यही है, और प्राइस सेगमेंट बजटेबल है। तो ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो इसका भी मैं एक कॉमन लिंक है वो रख देता हूँ, जिसमें आपको पूरा प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड के जैकेट की बात कर ही ली है, तो उसके हैंड ग्लव्स, तो ये भी हैंड ग्लव्स का जो प्राइस है ये 1500 से 1800 के बीच का है। तो इसका क्वालिटी और कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भी मैश है, यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है, फिंगर्स पे वेंटिलेशन रहता है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी है प्रोटेक्शन, बहुत ही अच्छा है। और जब गिरोगे आप कुछ भी हो, तो यहाँ पे भी इसका बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन है, क्योंकि ज्यादातर जब एक्सीडेंट होता है, यहाँ मेरे इतने टाइम के एक्सपीरियंस का मैं आपको ये चीज शेयर कर रहा हूँ, कि जब भी आपका एक्सीडेंट होता है ना, तब ये पार्ट और ये पार्ट वो ज्यादा डैमेज होता है, मतलब यहाँ पे छिल जाता है या कुछ भी, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये हो गया राइडिंग जैकेट के साथ रॉयल एनफील्ड के राइडिंग हैंड ग्लव्स का भी रिव्यू। तो हम आगे बढ़ते हैं स्काला के जैकेट की तरफ, वो भी मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। तो ये है स्काला का जैकेट, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी बहुत कंफर्टेबल है, और इसमें कुछ बैक साइड ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, ये पेड बैक का है, तो यहाँ पे दोनों एल्बो, दो शोल्डर, चेस्ट के दोनों पार्ट पे आपको पेड मिल जाएगा, मतलब अभी इसमें लेवल 3 का प्रोटेक्शन है, तो बहुत ही अच्छे से ये डिजाइन किया हुआ है। और बात रही, अब सबसे अहम मुद्दे की तरफ हम जाते हैं, इसका साइज सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो साइज सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, कि आप जैसे कि एल साइज का टी शर्ट या शर्ट पहन रहे हो, तो आपको एल साइज में जैकेट नहीं लेना है, आपको एम साइज में जाना है, जस्ट बिकॉज कि आप जब भी एल साइज का पहनते हो और एल साइज का ही जैकेट लोगे, तो ये जो जैकेट का पोर्शन है वो क्या होगा कि यहां तक आएगा, मतलब वहां पे आपका चांसेस है, भले ही आप इसको टाइट कर लो, पर वहां पर चांसेस है कि आपका अगर हैवी एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहां पे आपका जो पेड है वो स्लिप होके आगे चला जाए, उसका अरेंजमेंट भी आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो आपको एक साइज थोड़ा बैक जाना है और आपको वही जैकेट लेना है, जैसे कि आप एल ले रहे हो, तो आपको एम में सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये हो गया साइज के रिलेटेड डिस्कशन। अब बात आती है कि आप जैकेट के अंदर क्या पहन रहे हो। जैकेट के अंदर आप कोई भी हैवी फैब्रिक मत यूज करो, नॉर्मल और लाइट कपड़ा यूज करो। जैसे कि मैंने इसके अंदर जो पहना हुआ है वो टी शर्ट बहुत ही लाइट है, मतलब आप कहीं भी लॉन्ग स्टॉप ले रहे हो, जैसे कि लंच के लिए आप स्टॉप ले रहे हो 250-300 किलोमीटर के बाद, तो अगर आप जैकेट निकालो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होना चाहिए और बहुत पसीना भी नहीं होना चाहिए, हालांकि इसमें वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, और अभी जो मैं बैठा हूँ बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अंदर से सफोकेशन हो रहा है या गर्मी लग रही है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका प्राइस सेगमेंट हो गया 5,500 से 6,000 के आसपास, एग्जोर का आप लोगे तो भी 6-7 हज़ार के ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर के सेगमेंट में आ गया, तो बजटेबल में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो रॉयल एनफील्ड, उसके ऊपर जाना है तो स्काला, और उससे भी ऊपर जाना है आपको तो एग्जोर का भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, तो उसमें भी आपको अच्छा लेवल 3 प्रोटेक्शन, 2 प्रोटेक्शन में बहुत ही अच्छे जैकेट्स मिल जाएंगे। तो अभी आप जो ये टी शर्ट देख रहे हो, जो जैकेट के अंदर पहनी थी, ये बहुत ही लाइट फैब्रिक है, और ये पहनने पे ऐसा हैवी फील नहीं होता, तो ऐसा कुछ आप टी शर्ट ले सकते हो, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, 250-300 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये डिस्कस हो गई राइडिंग जैकेट के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि हम बॉटम में क्या पहने, जैसे कि उसका राइडिंग पैंट हो गया या फिर हम पेड पहने। तो देखो, अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो 7-8 हज़ार के ऊपर ही राइडिंग पैंट आता है, राइडिंग जैकेट से महंगा राइडिंग पैंट आपको मिलता है, वो अच्छी ब्रांड में बहुत सारे मिलते हैं, पर वो मैं यूज नहीं कर रहा, उसका ऑल्टरनेटिव है लेग पैड, वो हालांकि एक मेरे शूज और लेग पैड मेरा एक फ्रेंड राइड पे ले गया है, तो करंटली मैं आपको दिखा नहीं सकता, सॉरी टू से, बट मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, तो वो आप लेग पैड यूज कर सकते हो, उसके साथ आता है एल्बो के लिए भी प्रोटेक्शन पैड भी आता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको जैकेट भी यूज नहीं करना है, आपको बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वो आप यूज कर सकते हो। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शूज के लिए, तो शूज में भी एग्जोर और स्काला का अगर आप लेने जाओगे तो 6,000-5,000 से ऊपर आता है, तो मेरा बजट शूज में उतना ज्यादा नहीं था, तो मैंने क्या किया,
कि बकाबुकी का ब्रांड का एक शूज आता है, मतलब वो एक सेगमेंट है, वो आप बाइक राइडिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैंने क्यों परचेस किया, क्योंकि हम जब भी लॉन्ग राइड करते थे ना, तो इंजन गर्म होता था, उसकी वजह से जो भी हमारा नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज और कुछ भी पहना हो तो उसकी उसका मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, और तो पैर थोड़ा जलता था। तो उसके लिए मैंने बकाबुकी का शूज परचेस किया और वो बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छे है। तो अब जो डिस्कस होने वाली है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये सब आपने अरेंज कर भी लिया और अब बाइक राइड पे जा रहे हो, तो आपको बीच बीच में कौन सी ट्रबल्स आ सकती है और क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती है, या तो फिर क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उसका मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ। तो अगर आप राइड पे जा रहे हो तो हेलमेट पे तो अभी आपको 100-150 किलोमीटर तक पता नहीं चलेगा कि आपको क्या हो रहा है। आफ्टर 100 एंड 200 किलोमीटर आपको एक चीज का सामना करना पड़ सकता है, हेलमेट का कांच बहुत ही खराब हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉलिन को ऐसे एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है, जब भी स्टॉप लेता हूँ तो इससे मैं साफ कर लेता हूँ, और एक माइक्रो फाइबर क्लोथ ही यूज करना, क्योंकि यह इससे स्क्रैचेस नहीं आते और बहुत अच्छे से साफ होता है हेलमेट। और रात के दौरान आप राइड कर रहे हो तो बहुत सारी छोटी छोटी उड़ने वाली मक्खियां चिपकेगी हेलमेट पे, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कुछ भी उड़ेगा, तो वो सब आपको लॉन्ग राइड पे बहुत चीजें फेस करने को मिलेगी। तो जहां भी स्टॉप लू तो वहां पे मैं हेलमेट को साफ कर लेता हूँ, और बाकी सब चीज भी हमें साफ करनी होती है, जैसे कि कैमरा लेंस हो गया, बाइक हो गया, तो उसके लिए भी अलग से क्लोथ आपको कैरी करना है। और हो गया ये चैन स्प्रे, ये है विडोल का, मतलब आप कोई भी अच्छा यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं विडोल का भी यूज कर रहा हूँ। तो चैन स्प्रे भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग राइड के दौरान जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनदर चीज है वो है, अंदर पसीना होगा या थोड़ा भी गंदगी होगी तो उसको साफ करने के लिए ऐसा ही एक ऐसी साइज का एक स्प्रे बॉटल आपको मिल जाता है, फॉर्म टाइप में होता है, तो उसको आप स्प्रिंक करके माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ कर सकते हो, और उसको बस थोड़ी देर छोड़ देना है ऐसे ही करके, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आते हैं हम कैमरे के ऊपर। कैमरे का टॉपिक मैंने क्यों लास्ट में लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी चाहिए कम प्राइस के अंदर, मतलब ये मेरे को 13-14 हज़ार के अंदर पड़ गया था, जैसे कि बिग बिलियन और फेस्टिवल्स के ऑफ में आपको सस्ता पड़ जाता है, ये पावर मॉड्यूल वाला है, उसमें ड्यूअल स्क्रीन वाला भी आता है जो 18-20 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये कैसा कैमरा है, जो ब्रांड भी अच्छी है और इसका ये प्राइस में जो क्लियरिटी मिलेगा वो लाजवाब है। इसके अलावा कोई ऐसा कैमरा नहीं है अभी तक की डेट में कि जो इसको बीट कर पाए ये प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो इसमें जो जो प्लस पॉइंट है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज वीडियो चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको पता चले इसका कंप्लीट रिव्यू। इसमें हालांकि मैं 256 GB का मेमोरी कार्ड यूज कर रहा हूँ, और कैमरे के साथ उसका वाटरप्रूफ केस। तो वाटरप्रूफ केस अगर आप मॉनसून में राइड कर रहे हो तो यू शुड हैव दिस केस। इसका भी मैंने ट्रायल और टेस्टिंग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको एक्शन कैमरा का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, ये जो स्ट्रैप माउंट आता है वो सिंपली यूज करो, जहां पे आप फोन माउंट कर सकते हो और फोन में सी टाइप या 3.5 mm दोनों कंपेटेबल है, दोनों माइक का मैंने बताया हुआ है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो वहां पे आपका पैसा बच जाएगा कैमरे का। तो आपका ये जो पूरा सेटअप है ना, ये 6,700 के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। उसमें फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ क्या गया, हेलमेट का माइक आ गया, उसका क्लीनिंग का स्प्रे आ गया, अगर लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तो ओके, उसका जो माउंट स्ट्रैप माउंट है मोबाइल माउंट करने के लिए वो आ गया, राइट, और आपका नी और एल्बो का गार्ड भी आ गया, और ऊपर आपको कॉन्सोल, एज ए कॉन्सोल आपको कोई भी फोन लेना है तो यू कैन बाय फ्रॉम OLX और एनीवेयर, तो वो 2-3 हज़ार मान के चलो, तो 10 हज़ार के अंदर आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। अब हम थोड़ा हायर बजट पे जाते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैमरे से शुरुआत करते हैं, कैमरे का हो गया प्राइस 14-14 हज़ार, और उसका मेमोरी कार्ड जो 2200 रुपये का है मेरा, सैंडिस्क का है एक्सट्रीम, राइट, वो 256 GB का कैलकुलेट किया है, और जैकेट हो गया, अभी जैकेट हो गया 5,500 का। उसके बाद अब हेलमेट का पूरा चीज हम कैलकुलेट करते हैं, तो 5,500 का भी हेलमेट है, और उसका अंदर माइक का अरेंजमेंट 700 रुपये का माइक, और उसका जो माउंटिंग पोजीशन के लिए जो ब्लू आर्मर का लगा है वो है 450 से 500 रुपये का, 500 रुपये मान के चलो, राइट, यहाँ पे ही 28,400 हो गया। शूज का हो गया 1,800 रुपये, राइट, और अगर आपको
अगर हैंड ग्लव्स भी है तो फिर 1200 का या फिर 1500 का मान के चलते हैं। और आपको जे जे हुक से लेके छोटी मोटी जो भी एसेसरीज है उसका हम 1000 रुपये के आसपास गिन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा सेटअप जो हो गया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो 32,700 का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बजट फ्रेंडली था वो 7 से 8 हज़ार के आसपास, हार्डली 10 हज़ार के अंदर आपका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता था। यहाँ पे आपको 32,700 मतलब 32 से 33 हज़ार का आपका खर्चा होगा अगर आप पूरा चीज ले रहे हो। ये भी टेंटेटिव अमाउंट है, इससे बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड क्वालिटी ऑफ गियर्स। तो वो सब चीज़ें प्लस और माइनस हो सकती है बट नॉट अ ड्रास्टिकल डिफरेंस। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। तो ये वीडियो में मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ जो भी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट चीज़ है एक मोटो ब्लॉगर एक बाइक राइडर के लिए, तो वो मैंने कवर कर ली है। तो आप सबकी हेल्प की वजह से मैंने फर्स्ट माइलस्टोन यूट्यूब का अचीव कर लिया है, 500+ सब्सक्राइबर और 3,000 आवर वॉच टाइम। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और टारगेट आप ऐसा अपने ही होता है, फ्रेंड्स अगर को आपको ऐसे ये जो भी वीडियो आपको अच्छा मदद लगता है करना चाहते इसको हैं सजेस्ट सजेस्ट करिए, करो शेयर ऐसा करिए वीडियो वीडियो और और ऐसे गैजेट्स गैजेट्स लाओ लाओ तो तो जिससे जिससे काफी काफी लोगों लोगों को को हेल्प हेल्प हो, हो, क्योंकि क्योंकि मैं मैं भी भी वो वो दौर दौर से से गुजर गुजर चुका चुका हूँ। हूँ तो तो मुझे मुझे पता पता है है कि कि क्या 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 चीजें चीजें रिक्वायर रिक्वायर है है हमारे हमारे लिए लिए और और हम हम क्या क्या एफोर्ड एफोर्ड कर कर सकते सकते हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने मैंने नीचे नीचे से से लेके लेके ऊपर ऊपर के के सेगमेंट सेगमेंट तक तक पूरा पूरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया किया है। है। मैंने मैंने सब सब कुछ कुछ फेस फेस किया किया है। है। जब जब मेरे मेरे पास पास पूरा पूरा पैसा पैसा नहीं नहीं था था तब तब मैंने मैंने क्या 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 चीज चीज लेना लेना शुरू शुरू किया किया और और धीरे 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 मैंने मैंने लिया लिया है है एक एक साथ साथ मैंने मैंने परचेज परचेज नहीं नहीं किया किया है। है। तो तो ये ये चीज चीज मैं मैं आप आप लोगों लोगों के के साथ साथ भी भी शेयर शेयर करना करना चाहता चाहता था था कि कि अगर अगर आपको आपको बजट बजट में में जाना जाना है है तो तो आप आप क्या क्या लेके लेके चल चल सकते सकते हो हो और और अगर अगर आपको आपको बजट बजट के के ऊपर ऊपर जाना जाना है है तो तो आप आप क्या क्या लेके लेके चल चल सकते सकते हो। हो। अब अब मेन मेन बात बात हो हो गई गई बाइक बाइक की, की तो तो बाइक बाइक डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन ऑन योर योर सिचुएशन। सिचुएशन अगर अगर आपके आपके पास पास कोई कोई नॉर्मल नॉर्मल बाइक बाइक है है यू यू कैन कैन राइड, राइड, उसमें उसमें जरूरी जरूरी नहीं नहीं है है कि कि आपके आपके पास पास रॉयल रॉयल एनफील्ड एनफील्ड बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू या या कोई कोई भी भी हैवी हैवी बाइक बाइक होना होना चाहिए। चाहिए। यू यू शुड शुड हैव हैव जस्ट जस्ट ओनली ओनली बाइक। बाइक। इवन इवन दो दो लोग लोग स्कूटी स्कूटी पे पे भी भी राइड राइड करते करते ही ही है, है, इट्स इट्स नॉट नॉट बिग बिग डील। डील। तो तो जब जब हम हम बाहर बाहर एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने करने जाते जाते हैं हैं तो तो बहुत बहुत सारी सारी दिक्कतों दिक्कतों का का भी भी सामना सामना करना करना पड़ता पड़ता है। है। दैट्स दैट्स वाई वाई ये ये कुछ कुछ एसेंशियल एसेंशियल चीजें चीजें हैं हैं उसको उसको लेके लेके हमें हमें चलना चलना पड़ता पड़ता है। है।